शनिवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 31 और 28 संयुक्त रूप से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया। यह शिविर भावन टोली स्थित जल मीनार जल परिसर में लगाया गया, जिसमें प्रखंड व अंचल समेत नगर निगम के कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद अनुपस्थित देखे गए एवं वार्ड नंबर 28 एवं 31 के लोगों को शिविर का लाभ मिला। यहां आज के शिविर में सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना, खाद आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग काफी संख्या में आवेदन लोगों के द्वारा दिया गया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों से विशेष जानकारियां मिली और साथ ही वार्ड पार्षद रीता चौरसिया अपने प्रतिनिधि सोनू चौरसिया के साथ उपस्थित रही और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यह शिविर काफी सफल रहा और काफी भीड़ है, साथ ही लोगों को सभी उचित सुविधाएं इस शिविर के माध्यम से दे दी जा रही है। आइए जानते हैं खाद आपूर्ति विभाग के बड़ा बाबू नगर निगम के प्रमेय मदिलवार और पार्षद प्रतिनिधि सोनू चौरसिया क्या कहते हैं। आज बावन टोली पानी टंकी के पास वार्ड 28 वार्ड 31 का संयुक्त रूप से कैंप लगाया गया था। सरकार आपके द्वार के तहत आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपंग पेंशन मुख्य रूप से बनाया गया। बहुत लोगों ने कैंप में आया, इनका लाभ उठाया और सब ने अपना फॉर्म को जमा किया है। उसके बाद राशन कार्ड, मोटिशन वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे जो काम नहीं, जिनका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ आके अपना लाभ लिए हैं, उठाए हैं। सभी लोगों ने फॉर्म अपना जमा किया है। सावित्रीबाई फुले का भी जो सरकार का योजना है उसका भी फॉर्म प्रचुर मात्रा में आया है यहाँ पर और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कैंप लगा के गरीब लोगों का जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वो इस कैंप का माध्यम से अपना सभी काम को करवा रहे हैं। इसके लिए सरकार को धन्यवाद जी। अच्छा सर, आपके द्वार कार्यक्रम में आज भवन स्थल पर प्रशासन आपके द्वार के कार्यक्रम में आया हुआ है, उसमें सप्लाई विभाग के द्वारा लगभग 52 आवेदन आए हुए हैं। उसमें कुछ नया कार्ड का है, कुछ नाम जोड़ने का है, कुछ आधार कार्ड है, कुछ धोती साड़ी वितरण की योजना है। यहाँ बावन टोली जल मीनार में वार्ड नंबर 28 और 31 का यहाँ कैंप लगा हुआ है। ये सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का कैंप है। इस कैंप में बच्चे हैं जो 8 क्लास से जो है 8, 9, 10, 11, 12 और 18 से 19 वर्ष के, इन सारे बच्चियों का यहाँ आवेदन लिया जा रहा है। और इसमें है कि 18 से 19 वर्ष में बच्चियों का वोटर आईडी कार्ड होगा तो आवेदन यहाँ दिया जाएगा। और दूसरा है 8 से 12 तक में बच्चियों को 8 और 9 में 2500 करके इनको मिलेगा और फिर 10th, 11 और 12 में टोटल 5000 करके इनको दिया जाएगा। और अभी तक मेरे यहाँ अभी तक टोटल 50 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आगे भी अभी आ ही रहे आवेदन जी। आज नगर निगम का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे कितने आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं? ये आज का कैंप भवन टोली पानी टंकी में सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत जो लगाया गया है, इसमें सभी विभागों का स्टॉल है, उसमें एक नगर निगम का स्टॉल है। अभी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों में हम लोगों को 146 आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगभग 30 आवेदनों का निष्पादन भी किया जा चुका है, बाकी प्रोसेस में है। जो प्रोसेस में है उनका जो भी प्रोसेस फॉलो करना होगा उसको करने के बाद निष्पादित किया जाएगा। अभी आज का कैंप बावन टोली में जो समय निर्धारित है उस समय तक चलेगा। अभी हम लोगों का पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी और उम्मीद करते हैं कि इस कैंप में सबसे ज़्यादा PDS से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं और सावित्रीबाई फुले योजना से आवेदन प्राप्त हुए हैं। पर जो भी निष्पादन की जो भी प्रक्रिया होगी वो संबंधित विभागों को देखेंगे।